कि आप रोक्सी के पप्पी सेल करोगे क्या? बहुत भयंकर सवाल। आपकी शादी हो गई क्या? अपनी फैमिली रिवील करो। आपकी यूट्यूब की इनकम क्या है? और गाइस अगला सवाल ये है, आपका डॉग कैनल कब कंप्लीट होगा? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋतिक डॉग कैनल। और गाइस आज की हमारी वीडियो Q&A वीडियो होने वाली। काफी लोगों के भाई कमेंट भी आ रहे थे, रेड किंग भाई तने आप मस्ती कर लगा, हम भाई तने सवाल जवाब करते हैं। हां भाई फोन दे अपना कमेंट पढ़ने। तो गाइस काफी सारे क्वेश्चन है, टोटल भाई 1700 क्वेश्चन है, उत्तर ही 1700 का जवाब देना पड़ेगा। इनमें से भाई मेन सवालों के जवाब देता हूं। सबसे पहला सवाल तो ये है, मेरे भाई सभी के सभी डॉग्स की एज पूछ रखी। सबसे पहले तो भाई रोक की एज बताता हूं। रोक की एज है भाई 3 साल, और गाइस रेड किंग की एज है 1 साल, और रोक्सी की भाई 3 या फिर 3.5 साल की होगी। कोको हमारी 1 साल की भी नहीं हुई अभी तक, और गाइस सिम्बा हमारा 6 मंथ का। और कोई सा भी रह गया था? चिंटू, हाँ चिंटू शायद भाई 1 साल का हो गया होगा वो। और गाइस दूसरा सवाल ये है कि आप रोक्सी के पप्पी सेल करोगे क्या? भाई रोक्सी के पप्पी सेल करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई इतने सारे मैं पाल तो सकता नहीं। अगर भाई मेरा बस चले मैं तो सारे के सारे पाल लूं, बट भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छे से भाई 2 मंथ के होने के बाद तब करूंगा, वैक्सीनेशन वगैरह करवा के तब करूंगा। और गाइस एक हो रहा है बहुत भयंकर सवाल, आपकी शादी हो गई क्या? नहीं भाई हुई नहीं। और गाइस अगला सवाल ये है, जो भाई काफी लोगों ने कमेंट कर भी रखा, अपनी फैमिली रिवील करो। भाई मैं अपनी फैमिली रिवील नहीं करना चाहता, सबकी भाई अपनी अपनी पसंद है, मुझे भाई अच्छा नहीं लगता फैमिली को भाई सोशल मीडिया पर लाना। तो गाइस अगला सवाल ये है, ऋतिक भाई आप डॉग कब से पाल रहे हो? भाई मैं डॉग जब मैं इतना सा था ना, मतलब जब मैं छोटा सा था तब से भाई मैं डॉग्स ही डॉग्स पाल रहा। डॉग्स के साथ साथ भाई मैंने चिड़िया कबूतर तोते बिल्ली सब पाल ले। और गाइस काफी सारे सवाल ये यार फैमिली को रिवील करने का, भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई दिया क्यों नहीं करना चाहता। सबकी भाई अपनी अलग अलग चॉइस है, मुझे भाई थोड़ा अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो गाइस अगला सवाल ये है, रोक की चिंटू के साथ दोस्ती कब हुई थी? चिंटू भाई जब इतना सा था ना, बिल्कुल छोटा सा, शायद 1 या फिर 1.5 महीने का होगा, तब भाई मेरे पास आया करता था, मेरे पास नहीं रोक के पास आया करता था। और गाइस रोक का सभी को पता छोटे पप्पीज कितने ज्यादा पसंद है, तब से भाई दोनों की दोस्ती है। अब भाई चिंटू बड़ा हो गया और गाइस रोक का दोस्त बन गया पक्का। भाई ग्रिप लगाने के बाद डॉग एग्रेसिव होता है या फिर नहीं? भाई ग्रिप लगाने के बाद डॉग एग्रेसिव होता है। और गाइस ये मैं इसलिए कह रहा, अगर भाई ओनली ग्रिप लगाओगे ना तो गाइस डॉग एग्रेसिव पक्का होगा। अगर भाई ग्रिप के साथ साथ सारे काम करोगे, उसे टाइम भी दोगे, रनिंग भी करवाओगे, मतलब कुल मिला ये है कि उसकी एनर्जी वेस्ट करवाओगे, तो गाइस कभी भी एग्रेसिव नहीं होगा। बट भाई अगर ओनली ग्रिप के भरोसे रहोगे तो भाई फिर तो वो और ज्यादा अटैकर हो जाएगा, समझ रहे हो? और गाइस इस सवाल के साथ साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, मेरी वीडियो देख के भाई छोटे छोटे बच्चे देखे मेरी वीडियो, वे सब भाई अपने डॉग की ग्रिप लगवा हुए हैं। भाई ओनली ग्रिप लगवाने से बात नहीं बनती, सारे काम करने पड़े, एक्सरसाइज भी करवानी पड़े, हर एक काम करना पड़े। ग्रिप में तो भाई थोड़ा सा ही है कि मजा सा आ जाए, एग्रेशन सा करने लगे, मतलब थोड़ा बहुत एग्रेशन तो देखो डॉग के अंदर चाहिए, उसमें भाई मेरा थोड़ा मजा सा आवे, बट भाई मैं ग्रिप के साथ साथ प्रॉपर टाइम दूं, तू समझा? तो गाइस अगला सवाल ये है, कोको के पप्पीज कब आओगे? भाई कोको अभी छोटी है, अभी नहीं आ रहे। तो गाइस अगला सवाल ये है, रोक और रेड किंग को एक साथ खेत में कब लेकर आओगे? भाई मैं सोचू तो काफी बार लेकर आने की, बट भाई फिर लेकर नहीं आ पाता, या तो भाई कुछ ना कुछ रीजन आ जावे, या फिर भाई थोड़ा सा डर तो लगा ही है, क्या पता भाई इन दोनों की दुश्मनी हो जाए। बट भाई ये है कि थोड़े बहुत दिन मैं ट्राई करूंगा, पूरी सेफ्टी के साथ इन दोनों की दोस्ती करवाऊंगा। और गाइस अगला सवाल ये है, जो भाई काफी लोगों ने पूछ रखा, आपकी यूट्यूब की इनकम क्या है? भाई मेरी यूट्यूब की इनकम वैसे भाई डायरेक्ट तो बता नहीं सकते, बट भाई ये है कि मेरा और मेरे डॉग्स का काम चल जावे, घर वालों पर पैसे मांगने नहीं पड़ते, क्योंकि भाई डॉग्स का भी काफी सारा खर्चा हो, ऐसा नहीं कि डॉग पाल लिया काम चल गया, भाई बहुत खर्चा हो इनके साथ साथ। तो गाइस अगला सवाल ये है, आपका भाई न्यू पप्पी कब आओगा? भाई मेरा न्यू पप्पी जल्द आओगा, जब भी भाई मुझे कोई सा पप्पी पसंद आ जाएगा ना कि आयो मुझे पालना ही पालना, तब भाई पक्का ले आऊंगा। अभी भाई थोड़ा ये मान लो कि सर्च कर रहा, जहाँ पे भी मुझे कहीं पप्पी पसंद आ जाएगा ले लूंगा भाई मैं। तो गाइस अगला सवाल ये है, डू यू मिस जोरा? भाई जोरा की मुझे बहुत ज्यादा याद आवे, क्योंकि भाई बिल्कुल छोटी सी लेकर आया था मैं, और गाइस थी भी बहुत अच्छी, वह बहुत क्यूट थी, बट भाई क्या करें डेथ होगी उसकी। तो गाइस अगला सवाल ये है, चिंटू प्योर है? हाँ भाई चिंटू प्योर देसी है। तो गाइस अगला सवाल ये है, रोक को आपने बचपन से पल्ला गया? भाई मैंने रोक को बचपन से नहीं पल्ला, और गाइस इसकी स्टोरी मैंने बता रखी क्या क्या थी, पहली क्यों मैंने वीडियो में बता दी थी, बट भाई एक बार फिर से बता दूं, क्योंकि भाई मेरी ऑडियंस कुछ कुछ नहीं भी है। रोक भाई मेरे पास ऐसा कैसा आया था, बट भाई इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, ये मान लो बिल्कुल खत्म हो रहा था। अगर भाई मेरे पास इसकी पहली फोटो वीडियो होगी तो गाइस मैं वीडियो के बीच में लगा दूंगा, देख लेना भाई पहचान में भी नहीं आने का कि रोक ही है। और गाइस उस टाइम पर बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी था, 2-3 बार तो इसने मेरे ऊपर भी अटैक करा, बट भाई है कि अब बिल्कुल ठीक है, आप लोगों के सामने है, बिल्कुल फ्रेंडली है। और गाइस जो ये कैमरा मैन वीडियो बना रहा ना, इसका तो भाई एक बार बुड़का भर भी लिया था रोक ने, अपनी शिकल दिखा दे एक बार, भाई इसके भाई एक बार रोकने पैर पर बुड़का भर लिया था, निशान है रे भी नहीं भी नहीं मिट गया निशान, घोड़े का तेल लगाया था। अब भाई आप लोग समझ सको रोक कितना ज्यादा खतरनाक था, बट भाई टाइम के साथ साथ बिल्कुल ठीक हो गया। और गाइस साथ साथ रेड किंग की भी स्टोरी बता दूं, क्योंकि भाई रेड किंग को लेकर भी काफी कमेंट आ रहे थे। रेड किंग भाई मेरे पास 6 या फिर 7 मंथ का होगा तब आया था, और गाइस ये मेरे पास बिल्कुल फ्री आया था, क्योंकि भाई तब इसकी ऐसी कंडीशन थी ना, सभी ने भाई देखी रखी होगी, जो भाई मेरी पुरानी वीडियो देखते होंगे, ये भाई बिल्कुल खत्म हो रहा था, ये मान लो बिल्कुल डंडी सा था, और गाइस इतना ज्यादा डरपोक था ना, इसकी भाई पहली वीडियो देख लेना आप लोग भाई समझ जाओगे। अगर भाई मैं ऐसा गली में लेकर जा रहा हूं और गाइस कहीं पैसा डॉग दिख गया, बिल्कुल ऐसा हो जाता मरने हाल, बट भाई अब टाइम के साथ साथ रेड किंग भी बिल्कुल ठीक हो गया। और गाइस ठीक होने के बाद रेड किंग को लेने की भी कोशिश करी मेरे पास है, बट भाई रेड किंग को मैं देने का नहीं, रेड किंग भाई मेरे पास ही रहेगा, इसके भाई दो रीजन है, अगर भाई से मेरे पास कोई लेकर जाऊंगा जो भाई पक्का फाइट के लिए यूज करा जाएगा। और गाइस दूसरा रीजन ये है, रेड किंग को भाई रखते रखते इससे लगा होगा भाई मेरे से दिया नहीं जाने का, चलो भाई रेड किंग चीते भाग जा, हो गया तेरा सवाल खत्म, ये नहीं भाई जाता
जा लिया। तो गाइस अगला सवाल ये है, आपने यूट्यूब की शुरुआत कब से करी थी और आप यूट्यूबर बनना चाहते थे क्या? भाई मैं यूट्यूब की अभी तक सोची भी नहीं थी ना भाई, मुझे इतना ज्यादा पता था कि हाँ यूट्यूब से ऐसे पैसा वैसा आन लगेगा मेरा या फिर नहीं, तो पता था क्या है, बट भाई ये नहीं पता था कि मेरा भी आन लगेगा। मैंने भाई वैसे ही मजे मजे में रोक की वीडियो डाल दी, वे भाई थोड़ी सी वायरल सी होने लगी, फिर भाई मैं रेगुलर व्लॉग डालने लगा। और गाइस जो मेरा पहला चैनल था ऋतिक डॉग लवर, उस पर भाई दो तीन स्ट्राइक आ गई थी उसकी, भाई मेरी पुरानी स्टोरी है मैंने बता रखी, वो भाई बंद हो गया था, फिर भाई ये बड़ा चैनल बनाया, अब भाई है आप लोगों की दुआ से भाई ठीक ठाक चल रहा, थैंक यू सो मच। तो गाइस अगला सवाल ये है, क्या रोक और रेड किंग ने आपके ऊपर हमला करा क्या? भाई रोक ने तो करा बट भाई रेड किंग ने कभी नहीं करा, रेड किंग ने मेरे ऊपर क्या किसी के ऊपर भी नहीं करा। और गाइस अगला सवाल ये है, आपका सबसे पहला एग्रेसिव डॉग कौन सा था? एग्रेसिव डॉग तो मेरा कोई सा भी नहीं था, रोक ही भाई एक थोड़ा सा एग्रेसिव था जब मेरे पास आया था, बाकी भाई कोई सा भी मेरे पास ऐसा एग्रेसिव डॉग नहीं आया। और गाइस सबसे पहला डॉग मेरा देसी था, मैंने भाई एक देसी डॉग पाला था, वो मेरे पास 12 साल रहा, मोती नाम था उसका। और गाइस 40% सवाल तो फैमिली को लेकर आ रहे, भाई फैमिली के मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया था मुझे भाई थोड़ा अच्छा सा लगता, और गाइस प्लीज ऐसे कमेंट भी ना करा करो, वैसे तो भाई कोई इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं है बट भाई फिर भी थोड़ा सा हो गया ना, समझ रहे हो। तो गाइस अगला सवाल ये है, आप भाई कहाँ के हो? मैं भाई यूपी का हूँ, यूपी बड़ौत बागपत। और गाइस अगला सवाल ये है, सिम्बा का प्राइस बताओ, रेड किंग का प्राइस बताओ, मतलब मेरे सभी के सभी डॉग्स का प्राइस पूछ रखा, कितने कितने में मैंने लिए थे। तो गाइस डॉग का मैंने थोड़ी देर पहले बताया था मेरे पास फ्री आया था, और गाइस रेड किंग का भी बता दिया था ये भी मेरे पास फ्री आया था, बाकी भाई मेरे पास सारे के सारे पैसों में, प्राइस में भाई ज्यादा खुलेगा बता नहीं सकता। और गाइस अगला सवाल ये, आपका डॉग कैनल कब कंप्लीट होगा? भाई मिस्त्री भाग गए, कैसा करवा ला कंप्लीट, 10-15 दिन हो लिए मिस्त्री आए नहीं, जब भाई मिस्त्री आऊंगा तब होगा कंप्लीट। गाइस अभी क्यों एनए के बीच में भी घिन आ गया, हमारे कैमरा मैन की टॉयलेट आ गई, अब भाई वो टॉयलेट कर रहा आगे तो थोड़ी दिखा रहा, मत जाए मुंह तला डिस्टर्ब ना कर रहा। और गाइस क्यों एनए वीडियो की एंडिंग यहीं पे करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई 1% फोन रहेगा, कभी भी डाउन हो सके, बाकी भाई जितने भी सवाल रहेगा। उसे किसी के नाम की जरूरत नहीं है, चलते फिरते वो नाम बना लेता है। शेरा नाल शेरा ने शिकार खेडना,